आप हो चुके हैं मोटे अनहेल्दी फूड खा खा के और महंगे हेल्थ ट्रेनिंग इस कोर्स करने के आपके पास पैसे नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाते हैं सर्च करने के लिए फिटनेस एडवाइस फॉर बिगिनर। आप सोचते हैं बहुत आसान होगा, लेकिन लेकिन मैं अपना मैगी मैगी हाँ, तू वीडियो देख के अपने शरीर के साथ साथ अपना दिमाग खराब ना करें और आज ही ले बाबा बुड्ढा लाल का चमन पास। इसमें से मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये जो परेशानी है वो असली है। तुम में से सारे नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, अपने हेल्थ के मामले में हालत खराब है और कईयों को नहीं पता अपने फिटनेस जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करें। इंडिया में कई सारे फिटनेस यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सरसाइज के नाम पे स्टंट मारते हैं, कुछ अपने व्यूअर्स को अजीबोगरीब डाइट खिलाते हैं, कुछ लोग आजकल साइकिल चला रहे हैं और कुछ लोगों की तो बॉडी ही नहीं है। इसको देख के मुझे किसी की तो याद आ रही है। हाँ, एक मिनट रुको भैया। इन्हीं सब अजीबोगरीब फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बीच में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो अभी हाल ही में इंडिया का मोस्ट फेमस फिटनेस यूट्यूब चैनल बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अंकित बयानपुरिया। राम राम भाई, सारा नया। अंकित भाई हमारे देसी अखाड़े के पहलवान हैं, जिन्होंने अपना फिटनेस इन्फ्लुएंसर का स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम में, जहाँ वे देसी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज देते थे। बट हाल ही में वो फेमस हुए अपने 75 डेज चैलेंज की वजह से। अब 75 डे चैलेंज क्या है, ये अंकित भाई खुद बताएंगे। 75 हार्ड एक ऐसा चैलेंज जिसमें 99% लोग फेल हो जाएं। यो चैलेंज लोगों की लाइफ ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 5 रूल को आपने 75 डेज के लिए फॉलो करना है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो आपने डे 1 का स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, तो फिर इन जनरल अंकित भाई का चैनल और उसका कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें एक कमी है उनके चैनल लोगो का। उसी कमी को पूरी करूंगा आज मैं बाय मेकिंग अ कस्टम चैनल लोगो फॉर आवर डियरेस्ट अंकित भाई। तो चैनल लोगो के लिए मैंने कुछ ऐसा इफेक्ट सोचा है, तो अंकित भाई को यूज करूंगा उनकी ये वाली इमेज और नंबर 75 एज यूजुअल। इस लोगो को और स्पेशल बनाने के लिए इसे मैं बनाऊंगा ड्रॉ करके। हमारी ड्रॉइंग बुक रेडी है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम में से जिन लोगों को आर्ट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है और ड्राइंग करना पसंद नहीं करते, वो ये टाइम लैप्स को स्किप कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, स्किप मत करना, वॉच आवर कमाएंगे। तो ड्राइंग का प्रोसेस तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन देन आई रियलाइज मुझे तो आज जाना है ट्रेड शो पे ग्रेटर नोएडा। तो अंकित भाई को सुलाकर हम चल पड़े अपने इंटरनेशनल ट्रेड शो को अटेंड करने। तुम लोगों में किसी को इंटरेस्ट है ट्रेड शो का ब्लॉग देखने के लिए, मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसे अपनी आने वाली वीडियो में इसे डाल दूंगा। एक्चुअली तुम नहीं बोलोगे तो भी डालूंगा कंटेंट की कमी है ना। तो घर वापस आने के बाद हमने कंप्लीट कर दी अपनी ड्राइंग। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस राइट बाइसेप को 7 के पीछे से लेकर आऊं, या तो फ्रंट में रख, पर एज एन आर्टिस्ट मैं तीसरा उपाय निकालूंगा। तो हमारी ड्राइंग भी रेडी है, देखने में बढ़िया लग रही है, चले आते हैं फोटोशॉप। तो घंटों भर ड्राइंग बनाने और 2-3 बार एडिट करने के लिए, क्योंकि लाइट बहुत जाती है यार एनसीआर में, पता नहीं क्या इशू है। हमारे अंकित भाई के लिए लोगो रेडी है। तो ओवरऑल लोगो तो भाई बढ़िया लग रहा है मुझे। अब लोगो और रॉ स्केच तो मैंने भेज दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका एप्लीकेशन भी दिखाया जाए, तो मैंने इसको शर्ट में इसका मॉकअप बना के भी भेज दिया। मुझे पक्का लग रहा है कि अंकित भाई से जरूर देखेंगे। इस प्रोजेक्ट के बाद तो मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी आ चुकी है और मुझे लगता है कि मैं भी 75 डे चैलेंज कंप्लीट कर सकता हूँ। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा।